हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसकी हम यहाँ पर फर्स्ट क्लास है जो ज्वाइन करेंगे। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको डेली क्लासेस है जो मिल सकें, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो पाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये हमारी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर में, तो प्लीज़ आप लोग जाके डाउनलोड कीजिए चैलेंजिंग क्विज के लिए। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अवेलेबल हैं सभी, और भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी टाइम। एंड जो आज की क्लासेस के पहले मैंने आपको बताया था कि सभी सब्जेक्ट्स की बेसिक क्लासेस हैं, जो एक एक क्लास आपको है जो डेली प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो आपके अपकमिंग चाहे MPNHM का पेपर होने वाला हो, GMC का पेपर हो, या फिर हिमाचल प्रदेश में CHO का पेपर हो, या फिर MP में ही, या फिर अदर स्टेट में CHO पेपर हो, सभी एग्ज़ाम पर्पज़ से है जो यहाँ पर रिलीज़ किए जाएंगे एक एक क्लासेस आपके लिए डेली। मोस्टली कोशिश ये भी की जा रही है कि आपको एक एक टॉपिक जो यहाँ पर एक क्लास रहेगी उसमें आपके 50 MCQ से ज़्यादा कवर हो जाते हैं, लेकिन उस क्लास के अलावा भी आपको 5 से 10 मिनट की सेपरेट क्लास दी जाए जिसमें आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं वो भी कवर होते जाएँ। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर सही दिया है, जो हमने पीडियाट्रिक की क्लास की थी। तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन था वो था लॉन्ग टर्म थंब सकिंग प्रॉब्लम इन अ चाइल्ड में कॉज। तो बच्चा जो लंबे टाइम तक यदि अंगूठा चूसते रहेगा तो कौन सी प्रॉब्लम होगी, डेंटल प्रॉब्लम भी होगी, म्यूकोसल ट्रॉमा भी होगा, और जो फेसियल बोन्स हैं उनकी ग्रोथ में भी चेंजेस रहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। अब आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ 15-month-old चाइल्ड फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीज्ड ICP आफ्टर अ क्रेनियोटॉमी। द नर्स प्लान्स टू मॉनिटर फॉर विच अर्ली साइन और सिम्टम ऑफ इंक्रीज्ड ICP इन दिस चिल्ड्रन। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 15 महीने के बच्चे के लिए पूछा है यहाँ पर कि क्रेनियोटॉमी हुई, आफ्टर द क्रेनियोटॉमी ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है 15 महीने का बच्चा है, तो यहाँ पर कौन सा है जो अर्ली साइन होगा ICP बढ़ने का बच्चे में। ऑप्शन में एनोरेक्सिया एंड वॉमिटिंग, वल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, कंप्लेन ऑफ अ फ्रंटल हेडेक। क्या प्रॉब्लम है जो होगी बच्चे के लिए जब यदि बच्चे की एज कितनी हो, 15 महीने हो, तब बच्चे की एज यदि 15 महीने हो, 12 महीने हो, 13 महीने हो, या फिर लेस देन 18 मंथ तक होती है यदि, तब क्या प्रॉब्लम होने के चांसेस होंगे। एंटीरियर फॉन्टेनल आगे की तरफ बल्ज होने के चांस होंगे। बल्जिंग का मतलब है कि आगे की तरफ झुके होने के चांसेस क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर यदि 18 महीने तक के बच्चे में पूछते हैं तब हमें क्या कहना है, बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल, क्योंकि जो एंटीरियर फॉन्टेनल होते हैं कब क्लोज होते हैं बच्चे में, 18 मंथ की एज में ही, कब क्लोज होते हैं 18 मंथ की एज में एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज होते हैं। आफ्टर द 18 मंथ एज अलग साइन होंगे, चीज़ भी आपको नोटिस करनी है। यदि 15 महीना, दैट मीन्स 1 मंथ से लेके यदि 18 मंथ तक पूछे, 1.5 ईयर तक, तो जो फर्स्ट साइन होगा ICP बढ़ने का अर्ली साइन होगा वो होगा बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को। और यदि 18 मंथ तक है जो क्या होगा, बल्जिंग फॉन्टेनल होगा, वो भी एंटीरियर फॉन्टेनल, क्योंकि ये क्लोज नहीं हो पाएगा 18 मंथ तक। फिर आता है यदि 18 महीने से ज़्यादा एज है बच्चे की तो क्या होगा, वॉमिटिंग, क्या होगा, वॉमिटिंग। और फिर एडल्ट में पूछेंगे तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो याद रखें, 18 महीने तक की एज में पूछे तो एंटीरियर फॉन्टेनल बल्ज होगा। क्यों होगा ये बल्ज, आगे की तरफ क्यों झुकेगा, क्योंकि इस टाइम पर एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज नहीं होते हैं, 18 मंथ की एज में क्लोज होंगे। यदि 18 महीने से ज़्यादा के बच्चे की एज कहेंगे तो क्या बोलेंगे हम, वॉमिटिंग। यदि एडल्ट में कहेंगे तो क्या होगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस। नेक्स्ट वन इज द बिहेवियरल डिसऑर्डर इन अ चाइल्ड कैरेक्टराइज्ड बाय इनअप्रोप्रिएट हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस एंड इनअटेंशन। तो यहाँ पर बच्चों का जो बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे क्या होंगे, हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, इम्पल्सिवनेस होंगे, दैट मीन्स उनके अंदर है जो किसी भी चीज़ को लेके पेशेंस नहीं होगा, और इन अटेंशन फुल होंगे, आप कितना भी उनको चिल्लाते रहो वो कुछ भी चीज़ पर आपका ध्यान नहीं देंगे। तो किस तरीके के यहाँ पर साइन है, एन्यूरेसिस के, ऑटिस्टिक बिहेवियर के, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के, या फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपो एक्टिविटी डिसऑर्डर के।
तो यहाँ पर जितने भी ये साइन है ये सब किसके साइन है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के, क्योंकि यहाँ पर साफ कहा गया है कि बच्चा क्या होगा, हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव होगा और इनअटेंशन होगा। और जनरली जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, इस तरीके के बच्चों को मार पीट कर सुधार नहीं सकते, भी आपको एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो उनको किसी रिवॉर्ड के थ्रू या फिर कुछ थेरेपी के थ्रू है जो ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर टू थ्राइव। तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या है, चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक, चाइल्ड इज अनेबल टू स्पीक, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश या फिर रेट ऑफ हाइट गेन इज स्लगिश। तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब यहाँ पर क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे आपका वेट गेन नहीं होगा। क्या होगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका वेट गेन है। तो यहाँ पर फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या होगा कि बच्चे का वेट है जो गेन नहीं होना, क्या होगा, बच्चे का वेट गेन नहीं होना, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग एक ही जगह पर स्टॉप होकर रह जाना, उसको हम क्या कहेंगे, फेलियर टू थ्राइव। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश। क्या होगा, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश। तो यहाँ पर ये देखिए, फेलियर टू थ्राइव इज द टर्म दैट इज यूज टू डिस्क्राइब इनएडिक्वेट ग्रोथ और द इनएबिलिटी टू मेंटेन द ग्रोथ। तो बच्चों में जनरली उनकी जो ग्रोथ है एज के अकॉर्डिंग प्रॉपर वेट गेन ना हो पाना, एक ही जगह पर स्टॉप होकर रह जाना, जो कि अंडर न्यूट्रिशन का भी साइन हो सकता है या फिर कुछ बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रीजन का साइन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो फेलियर ऑफ थ्राइव है या फिर फेलियर टू थ्राइव है, तो यहाँ पर डायग्नोस किया जा सकता है, लेकिन बहुत केस में ऐसा होता है कि बच्चों की स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम पर ग्रोथ नहीं होती, वेट गेन नहीं होगा, लेकिन आफ्टर दैट होने लगता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगेज और फेलियर टू थ्राइव। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबर क्लोसिस। तो इनमें से ट्यूबर क्लोसिस का सिम्टम कौन सा नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर कफ फॉर 3 weeks और मोर, फीवर स्पेशली एट नाइट, वेट गेन या फिर लॉस ऑफ एपिटाइट। तो यहाँ पर क्या साइन होगा जिससे हमें पता चलेगा कि जो टीबी का साइन नहीं है, टीबी का कॉजिटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस। यहाँ पर टीबी को डायग्नोस करने के लिए चेस्ट एक्सरे किया जाता है, स्पूटम कल्चर लिया जाएगा एंड यहाँ पर माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन भी किया जाएगा। आफ्टर दैट क्या किया जाता है, ट्यूबरक्यूलिन और माउंटेक्स टेस्ट, जिसकी रीडिंग है जो 48 टू 72 आवर की जाती है। अब यहाँ पर साइन नहीं है, तो साइन इनमें से हैं कौन कौन से, पहले हम ये देखते हैं यहाँ पर। तो कफ होगा जो कि 3 weeks और उससे ज़्यादा होगा, फिर आता है फीवर जो कि नाइट में रहेगा, वेट लॉस होगा, एपेटाइट और है जो भूख है जो नहीं लगेगी। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, तो यहाँ पर आप मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है जो ट्यूबर क्लोसिस का साइन नहीं है। अब एग्जाम में आपको एक चीज़ और आती है, वो है अर्ली साइन और एडवांस टीबी के साइन। यदि अर्ली साइन पूछते हैं तो कफ मोर देन 1 month, फीवर जो भी 1 week से ज़्यादा रहेगा, रिकरिंग निमोनिया जो कि एंटीबायोटिक से भी ट्रीट नहीं होगा। अब बात आती है यहाँ पर एडवांस टीबी के साइन है जो वेट लॉस होगा, फटिग होगा, रैसेस होंगे एंड नाइट स्वेट भी, रात में पसीना भी आएगा, ये क्या है, एडवांस टीबी के साइन है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रेफर्ड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग डीपीटी वैक्सीन इन इन्फेंट। तो इन्फेंट में डीपीटी वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी, तो कहाँ पर इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा, डॉर्सो ग्लूटियल मसल में, ग्लूटियस मैक्सिमस, वास्टस लैटरलिस या फिर ग्लूटियस मीडियस। तो जो डीपीटी वैक्सीन है ये इंट्रामस्कुलर रूट से एडमिनिस्टर की जाती है, डिप्थीरिया पर्टिसिस टिटनेस। तो यहाँ पर डीपीटी का यदि इन्फेंट्स में ही दी जाती है तो किस मसल्स में दी जाएगी, तो ये दी जाती है वास्टस लैटरलिस मसल्स में। अब डीपीटी वैक्सीन नाउडेज है जो 5-in-1 वैक्सीन में आती है, पेंटावेलेंट वैक्सीन में, जो कि 5 diseases से प्रोटेक्ट करती है, डिप्थीरिया पर्टिसिस टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो ये पेंटावेलेंट वैक्सीन कब दी जाती है, 6, 10 and 14 weeks में। बच्चे की एज 6 weeks, 10 weeks and 14 weeks, मंथ में नहीं, यहाँ पर 6, 10 and 14 weeks में दी जाती, क्योंकि हर एक वैक्सीनेशन के लिए 4 week का गैप है जो दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज द सजेस्टेड डोज ऑफ विटामिन ए गिवन एट 9 months ऑफ एजेस। तो यदि बच्चे की एज कितनी हो, 9 months हो, तो कितना है जो विटामिन ए का डोज है उसको दिया जाएगा।
ऑप्शन में 2 लाख आयु, 3 लाख आयु, 1 लाख आयु या फिर 50,000 आयु, कितना डोज है जो दिया जाएगा बच्चे के लिए, बच्चे की एज 9 महीने है तो दिया जाएगा 1 लाख आयु, कितना 1 लाख आयु। यदि बच्चे की एज कितनी कहते हम 6 मंथ से 11 महीने तक, यदि 6 मंथ से 11 महीने तक है तो 1 लाख आयु, यदि 12 महीने से 5 साल तक है तो 2 लाख, लेस देन 6 मंथ है यदि तो 50,000। ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो 9 मंथ कहा है बच्चे की एज, तो कितना होगा 1 लाख आयु। यदि यहाँ पर लेस देन 6 मंथ कहते तब हम क्या कहते हैं यहाँ पर 50,000। 12 महीने से 5 साल तक, दैट इज 1 ईयर टू 5 मंथ तक यदि कहेंगे तो हर 6 महीने में कितना, हर 6 महीने में 2 लाख यूनिट। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं हम कहेंगे, गैप भी याद रखना है आपको। 6 महीने से 11 महीने के बच्चे को पूरे 1 ईयर में एक ही बार 1 लाख आयु देना है, लेकिन 12 मंथ या फिर 1 ईयर से 5 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे को हर 6 महीने में हमें 2 लाख यूनिट है जो देनी है, वो भी ओरली। नेक्स्ट वन इज मिड डे मील सप्लीमेंट डाइट प्रोवाइड्स फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो मिड डे मील सप्लीमेंट्स में कौन सी डाइट प्रोवाइड करवाई जाती है? ऑप्शन में 200 कैलोरीज एंड 7 to 10 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 200 कैलोरीज एंड 6 to 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो मिड डे मील सप्लीमेंट के तहत जो डाइट प्रोवाइड करवाई जाती है वो थी 300 कैलोरी एंड 14 से 16 ग्राम ऑफ प्रोटीन। कितना? 300 किलो कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, जो कि स्कीम है, जो मिड डे मील स्कीम सप्लीमेंट स्कीम, इसमें 1st to 5th तक बच्चे को 1st to 5th स्टैंडर्ड तक 100 ग्राम फूड पर स्टूडेंट एंड 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन है जो दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज अ नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विथ क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज एंड ऑब्जर्व कॉन्स्टेंट बबलिंग इन द वाटर सील कंपार्टमेंट ड्यूरिंग बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, वॉट इज द नर्स शुड कंक्लूडेड। यदि किसी पेशेंट को चेस्ट ड्रेनेज, क्लोज चेस्ट ड्रेनेज है जो सिस्टम दिया गया है, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि कॉन्स्टेंटली बबलिंग हो रहा है तो वाटर सील कंपार्टमेंट में, तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, क्या आपका कंक्लूजन होगा जब वो इंस्पिरेशन भी कर रहा है और एक्सप्रेशन भी कर रहा है तब। ऑप्शन में है द सिस्टम इज फंक्शनिंग नॉर्मली, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बबलिंग आ रहा है। दूसरा है द पेशेंट हैज़ डेवलप्ड न्यूमोथोरिक्स, चेस्ट ट्यूब इज ऑब्स्ट्रक्टेड या फिर सिस्टम हैज़ एन एयर लीक। क्या होगा जिसमें बबलिंग आ रहा है, यदि है जो चेस्ट ड्रेनेज में क्या है, बबलिंग हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, कुछ एयर है। जो आपका आंसर यहाँ पर होगा वो क्या होगा, द सिस्टम है पर जो वाटर सील चैम्बर है, यहाँ पर क्या होगा जब आप इनहेल करेंगे और तो ये क्या होगा, जो वाटर सील चैम्बर है क्या होगा, हाई होगा, लेकिन जब आप एक्सहेल करेंगे तो ये क्या होगा, लो जाएगा। तो यहाँ पर यदि यही लीकेज होता है, सॉरी बबलिंग साउंड आता है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर लीक हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिजिशियन को और डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये जो यहाँ पर फॉल, जब आप एक्सहेल करेंगे और इनहेल करेंगे तो जो प्रोसेस होगी, इसको यहाँ पर क्या कहा गया है, टाइडलिंग, जो कि यहाँ पर चेस्ट ट्यूब जो पेशेंट रहेंगे उनको यहाँ पर दिखाया जाएगा। लेकिन यदि बबलिंग है, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर एयर लीक हो रही है। और यदि अदर तरीके की एयर लीक होती है तो बहुत ही ज़्यादा आपको बबलिंग है जो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट एडमिटेड द डायग्नोसिस ऑफ रीनल कैलकुलाई इज कंप्लेनिंग ऑफ सीवियर पेन इन राइट फ्लैंक एंड नोसिया, इमीडिएट नर्सिंग गोल फॉर दिस पेशेंट वुड बी। तो यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आता है और आपसे नर्सिंग गोल के बारे में पूछा जाता है, तो आपको यदि ऑप्शन में पेन हो तब आप उसको मार्क करेंगे, पेन की जगह यदि आपको एयर से रिलेटेड, एयर मेंटेन करने के लिए कहता है तो आप उसको मार्क करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वो होगी। देन आफ्टर होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। यदि यहाँ पर पेन पूछा है कि पेशेंट को रीनल कैलकुलाई है, रीनल स्टोन हुए हैं, सीवियर पेन की कंप्लेन कर रहा है राइट फ्लैंक रीजन में और नोजिया भी हो रहा है साथ में उसको, तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, रिलीफ ऑफ पेन, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू स्टेसिस, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन या फिर प्रोमोटिंग नॉर्मल वॉइडिंग पैटर्न।
तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो यदि पेन से रिलेटेड पेशेंट आता है आपको, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसका पेन मैनेज करना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? रिलीफ ऑफ पेन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये नया टेस्ट का नाम नहीं है कि आप कन्फ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पर क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्या है? क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि प्रेगनेंसी में बेबी में कोई कंजेनाइटल एनोमली डेवलप तो नहीं हुई है उसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इस टेस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर टोटल क्वाड्रिपल का मतलब होगा फोर स्क्रीनिंग टेस्ट इंक्लूडेड है, फोर चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सी नहीं है। ऑप्शन में अनकॉन्जिकेटेड एस्ट्रॉयल, अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG या फिर इनहिबिन बी। क्या है जो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा? तो अनकॉन्जिकेटेड एस्ट्रॉयल होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन होगा, HCG होगा, इनहिबिन ए होगा, ना कि बी। सो एज द राइट आंसर इज डी, इनहिबिन बी है जो क्वाड्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं होगा। तो वैल्यू यहाँ पर मेजर की जाएंगी, स्पेशली डाउन सिंड्रोम के लिए किया जाता है, और जो अदर कंजेनाइटल एनोमली होंगे उनके लिए अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और डाइमेरिक इनहिबिन ए। ये चारों क्वाड्रिपल का मतलब होगा चार यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट है जो करवाए जाएंगे। आप चाहें तो इस टेस्ट की जो, या फिर हम ये कह सकते हैं जो क्वाड्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट है, ट्रिपल एंटीजन ट्रिपल मार्कर टेस्ट है, फिर डबल मार्कर टेस्ट है, तीनों टेस्ट की रिपोर्ट्स मैं आपको कल या फिर आफ्टर दैट टुमारो है जो आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू दिखा दूंगी। तो यहाँ पर जो क्वाड्रिपल में टोटल फोर स्क्रीनिंग टेस्ट होंगी, डाउन सिंड्रोम के लिए किया जाता है जो भी एनोमली स्क्रीनिंग होंगी। फिर आता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट, ये भी प्रेगनेंसी में ही होगा, फिफ्थ एंड 18th वीक के बीच में। तो इसमें क्या चेक किया जाएगा? अल्फा फीटोप्रोटीन, एस्ट्रॉइडल हार्मोन और HCG। क्या होगा यहाँ पर? डाउन सिंड्रोम और जो अदर ट्रायोसोमी हैं उनके लिए टेस्ट है जो किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या होगा? अल्फा फीटोप्रोटीन जो कि फीटस से लिया, फीटस का होगा, HCG प्लेसेंटा और एस्ट्रॉयल है जो दोनों के लिए। तो यहाँ पर ट्रिपल का मतलब होगा तीन, तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर चेक होंगी। यदि AFP का लेवल हाई होगा अल्फा फीटोप्रोटीन का, दैट मींस क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, एनिन्सेफेली है या फिर मिस्टेकन डेट है। लेकिन यदि लो AFP है एस्ट्रॉयड एंड हाई HCG है, दैट मींस एस्ट्रॉयल और HCG दोनों हाई हैं, तो ट्रायोसोमी 21 जो कि डाउन सिंड्रोम कहलाता है, और ट्रायोसोमी 18 जो कि एडवर्ड सिंड्रोम कहलाएगा, और ये भी कह सकते हैं कोई अदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है। तो ट्रिपल में तीन चीज़ें इंक्लूडेड हैं यदि पूछी जाती हैं तो, HCG, AFP और एस्ट्रॉयल लेवल। डबल में दो, पैपा एंड बीटा HCG। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये सबकी टिप ऑफ टंग याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे है जो हम कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है आपको, बट फिर भी 7 अप्रैल, 5 जून, 10 अगस्त या फिर 15 दिसंबर। तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। और इस साल की जो थीम रखी गई है वो क्या है? अवर प्लैनेट अवर हेल्थ। क्या है थीम इस बार की? अवर प्लैनेट इज अवर हेल्थ। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द सडन आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज। तो डिसीज़ का सडनली आउटब्रेक होना जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है वो क्या कहलाएगा? एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक या फिर स्पोरेडिक। यहाँ पर ऑप्शन ध्यान से देखिए, सडन आउटब्रेक ऑफ डिसीज़ जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट वो हो जाए तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एपिडेमिक। क्या होगा? एपिडेमिक। अब यहाँ पर इन तीन इमेज से तीनों चीज़ें क्लियर करते हैं। तो एंडेमिक पूरे कंट्री में होगा लेकिन ये अलग अलग जगह छोटे छोटे रीजन को अफेक्ट करेगा। एपिडेमिक बहुत ज़्यादा होगा और लार्ज लेवल पर लोगों को अफेक्ट करेगा लेकिन एक ही जियोग्राफिकल एरिया में, एक ही देश को। बट यहाँ पर यदि यही एपिडेमिक पूरे अलग अलग देश को अफेक्ट करेगा तो ये क्या कहलाएगा? पेंडेमिक। एंडेमिक का मतलब, एंडेमिक का जो फर्स्ट है यहाँ पर क्या है? एंडेमिक, जो कि एक सर्टेन पॉपुलेशन या ग्रुप को अफेक्ट करेगी, लो लेवल पर स्प्रेड होगा। एपिडेमिक क्या होगा? हाई लेवल पर स्प्रेड होगा और ज़्यादा टारगेट करेगी पीपल को, और पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड वाइड ही स्प्रेड होगा और बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज मेट्रोनिडाजॉल इज कॉमनली यूज टू ट्रीट।
तो जो मेट्रोनिडाजोल है किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, टाइफॉइड, डिसेंट्री, कोलेरा या फिर डायरिया। जो मेट्रोनिडाजोल है कॉमनली किसको ट्रीट करने में यूज़ किया जाएगा, डिसेंट्री को ट्रीट करने में। किसके लिए? डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। अब यहाँ पर बेसिक सा डिफरेंस है जो एग्ज़ाम में आता है स्पेशली स्टूल को लेके। तो डायरिया में जो फ्लूड होगा वो कैसा होगा, वॉल्यूमिनस फूड होगा, लेकिन जो डिसेंट्री में होगा स्कैंटी होगा, ब्लड होगा, म्यूकस होगा, एविडेंट पस सेल्स होंगी। ये साइन किसके हैं? डिसेंट्री के। लेकिन जो डायरिया होगा उसमें ना तो ब्लड फीकल में ब्लड होगा, म्यूकस होगी, पस सेल्स बहुत ही कम होंगी, और यहाँ पर डिफिकेशन के टाइम पर स्ट्रेनिंग भी बहुत ही कम होगी, लेकिन डिसेंट्री में बहुत ज़्यादा होगी। तो ये बेसिक इनके बीच के क्या है डिफरेंस है। एग्जाम में आता है कि डिसेंट्री के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर, या फिर डायरिया के सब साइन है किसी एक को छोड़कर, और जब डायरिया मोर देन 14 डेज तक का हो जाए तब हम उसको क्या कहते हैं, परसिस्टेंट डायरिया। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीनेटल इन्फेक्शन डिसीज इज द मोस्ट हाईली कंटेजियस। तो इनमें से सबसे ज़्यादा कंटेजियस डिसीज कौन सी है? ऑप्शन में है सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV या फिर हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। तो सबसे ज़्यादा पेरीनेटल इन्फेक्शन की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा पेरीनेटल इन्फेक्शन है जो, और कंटेजियस डिसीज़ कौन सी होगी। पेरीनेटल का मतलब होता है इंटरनेटल पीरियड में बच्चे को कौन सी डिसीज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, वो है यहाँ पर HSV इन्फेक्शन। क्या है यहाँ पर? HSV इन्फेक्शन है जो बच्चे को होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे और हाईली कंटेजियस होगी। यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? HSV इन्फेक्शन को। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो HSV क्या है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है। क्या है? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है जो कि बेबी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, विद इन वॉट पीरियड ऑफ पोस्ट डिलीवरी शुड RHD इम्यूनोग्लोबुलिन गिवन टू अप्रोप्रिएट कैंडिडेट टू प्रिवेंट NTD आइसोइम्यूनाइजेशन। तो कितने टाइम के अंदर हमें क्या करना है, RHD एंटीबॉडी देना है पोस्ट डिलीवरी के बाद। कितने टाइम के अंदर हमें क्या दे देना है, RH एंटीबॉडी है जो दे देना है, सॉरी RHD इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। 12 आवर, 24 आवर, 72 आवर या फिर 80 आवर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके लिए। कितने टाइम के अंदर हमें देना है, तो विद इन 72 घंटों के। कितने? पेशेंट को NTD आइसोइम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए हमें RHD इम्यूनोग्लोबुलिन कब देना है पोस्ट डिलीवरी के, विद इन 72 घंटों के अंदर। और इसके लिए एक टेस्ट होता है, वो भी आपको याद रखना है, कॉम टेस्ट, RH एंटीबॉडी डायग्नोस करने के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक बेबी के लिए होता है, एक मदर के लिए होता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीनेटल इन्फेक्शन डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय पोस्ट डिलीवरी पैसिव एक्टिव आइसोइम्यूनाइजेशन ऑफ द न्यूनेट। तो यहाँ पर बेबी को हम कौन सी है जो पैसिव एक्टिव आइसोइम्यूनाइजेशन से पोस्ट डिलीवरी के बाद उस डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, HSV, सिफिलिस, HBV या फिर CMV। कौन सी डिसीज़ को हम बेबी के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं पैसिव एक्टिव आइसोइम्यूनाइजेशन से, वो होगी यहाँ पर HBV। क्या होगी? HBV कर सकते हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद बेबी के लिए, तो वो होगा HBV। और हेपेटाइटिस बी वायरस से, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी को डिलीवरी के बाद क्या देते हैं हम, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन उन बेबीज को नहीं दी जाएगी जिनका वजन 2 किलो से कम हो। ऑब्जर्व किया जाएगा, वेट किया जाएगा कि कब उन बच्चों का, न्यूबॉर्न बेबीज का वजन है जो 2 kg क्रॉस हो जाए, तब हमें वैक्सीन है जो दे सकते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि पैसिव एक्टिव आइसोइम्यूनाइजेशन से न्यूनेट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं पोस्टनेटल इन्फेक्शन से, सॉरी पेरीनेटल इन्फेक्शन से। तो क्या है यहाँ पर? हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट वन इज सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। तो सीरम हेपेटाइटिस यहाँ पर और किसको कहा जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर हेपेटाइटिस A, B, E या फिर बैक्टीरियल हेपेटाइटिस। तो सीरम हेपेटाइटिस यहाँ पर कहा जाएगा हेपेटाइटिस बी को। किसके लिए? हेपेटाइटिस बी को। अब ये छोटी सी टेबल है, इसको हम विद इन 1 मिनट में पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो हेपेटाइटिस बी, जिसको सीरम हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, हेपेटाइटिस सी को ब्लड बॉर्न या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी, ये दोनों फीकोरल रूट से होते हैं, बाकी अदर
इसमें हेपेटाइटिस बी है जो ब्लड बॉर्न होगा, हेपेटाइटिस सी मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होगा, और हेपेटाइटिस डी जनरली कोई अदर जो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन हुआ हो या फिर हेपेटाइटिस बी या फिर सी हुआ हो तब होगा। तो दो डिफरेंस मैंने याद रखना कि हेपेटाइटिस ए और ई दोनों फीकोरल रूट से होते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी दोनों ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस सी के लिए क्या कहा जाता है ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस, लेकिन हेपेटाइटिस बी को क्या कहा जाता है सीरम हेपेटाइटिस। अब यहाँ पर इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी अलग अलग होगा, जनरली जो ए और ई है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम होता है, बाकी सभी का ज़्यादा होगा। हेपेटाइटिस से और ये क्या है शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, बाकी अदर लॉन्ग टर्म और क्रॉनिक इन्फेक्शन होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच द पेशेंट विल हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ मास्क लाइक फेस एंड स्टेयरिंग इज नोन एज। तो यहाँ पर दो साइन बताए हैं कि कौन सी डिसीज है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट का फेस कैसा होगा मास्क लाइक, दूसरा होगा स्टेयरिंग दूसरों को घूरने टाइप का। तो ये क्या है मायस्थेनिया ग्रेविस, अल्जाइमर्स, हंटिंगटन कोरिया या फिर पार्किंसंस डिसीज। तो कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट का फेस मास्क लाइक होगा स्टेयरिंग टाइप का होगा, तो होगा यहाँ पर पार्किंसंस डिसीज। कौन सा होगा पार्किंसंस डिसीज। नेक्स्ट है यहाँ पर एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द कॉन्सेप्शियस इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। तो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसमें जो कॉन्सेप्शियस मटेरियल है जनरली यूट्रस में क्या होगा इम्प्लांट होगा, लेकिन यूट्रस के बाहर यदि इम्प्लांट होता है तब हम इसको क्या कहेंगे। ऑप्शन में है यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज एंड अबॉर्सन। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी भी कहा है और जो जनरली इम्प्लांटेशन यूट्रस में होगा, फर्टिलाइजेशन यूट्राइन ट्यूब में होगा, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होगा, लेकिन यदि यही इम्प्लांटेशन यूट्रस की जगह यूट्राइन कैविटी की जगह अदर जगह हो जाए तब हम इसको क्या कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी उसमें फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होगा, यूट्राइन ट्यूब में होगा, और इम्प्लांटेशन कहाँ पर हो जाएगा यूट्रस में। लेकिन जब यही जो फर्टिलाइज्ड एग का इम्प्लांटेशन कहाँ पर हो जाए फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, ओबरी में हो जाए, सर्विक्स के यहाँ हो जाए, या फिर फेलोपियन ट्यूब में हो जाए यूट्राइन ट्यूब में हो जाए, तब हम इसको क्या कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो इम्प्लांटेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहेंगे। नेक्स्ट इज फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर ऑफ लाइफ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर फीडिंग एंड एम्प्टी रेक्टम आर द फाइंडिंग ऑफ। क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द फर्स्ट 36 आवर, बेबी डिलीवर होने के बाद जो बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है उसको हम क्या कहते हैं मेकोनियम, बट उसने वो पास आउट नहीं किया है, 36 घंटे हो गए, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, बेबी प्रॉपर फीड नहीं कर रहा है, बट रेक्टम क्या है खाली है, रेक्टम एम्प्टी है, तो इसका मतलब क्या होगा हिरस्प्रिंग्स डिसीज, अपेंडिसाइटिस, माल एब्जॉर्प्शन या फिर पेरिटोनाइटिस। तो क्या साइन होगा जिसमें बेबी 36 घंटे मोर देन 24 आवर के बाद का कंसीडर किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि 36 घंटे तक हो गए हैं, बेबी ने अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल जिसको हम मेकोनियम कहेंगे वो पास नहीं किया है, पुअर फीडिंग कर रहा है, रेक्टम क्या है एम्प्टी है पूरा खाली है, क्या होगा होगा हिरस्प्रिंग डिसीज और मेगा कॉलन डिसीज, क्योंकि यहाँ पर गैंग्लियोनिक सेल्स एबसेंट होंगी या फिर बहुत ही कम होंगी जिसके कारण प्रॉब्लम होगी। नॉर्मली गैंग्लियोनिक सेल्स इस तरीके से होंगी, लेकिन जो मेगा कॉलन और हिरस्प्रिंग डिसीजेस में गैंग्लियोनिक सेल्स ही प्रेजेंट नहीं होंगी जिसके कारण पूरा मेकोनियम है वो यहीं पर रहेगा, जो बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो पास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर इज गर्ल्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर सॉरी 8 ईयर है यहाँ पर, तो यदि प्यूबर्टी 8 साल से कम एज के पहले ही आ जाए तो इसके लिए हम क्या कहेंगे गर्ल्स में थैलार्ची, मेनार्ची, डिलेट प्यूबर्टी या फिर प्री कॉसियस प्यूबर्टी। तो बिफोर द एज ऑफ 8 8 साल से कम एज में ही प्यूबर्टी आ जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे, तो वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा प्री कॉसियस प्यूबर्टी। क्या कहेंगे हम उसको प्री कॉसियस प्यूबर्टी। यहाँ पर जो थैलार्ची है मीनार्ची है सभी एग्जाम में आते हैं आपको। नेक्स्ट वन इज
विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ? तो कम्युनिटी हेल्थ की बैकबोन क्या है? इकोनॉमी, फैमिली, होम विजिट या फिर इंडिविजुअल? तो कम्युनिटी की जो बैकबोन है वो क्या है? होम विजिट. क्या होगा यहाँ पर? होम विजिट. नेक्स्ट वन इज फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, सो द पल्स, डेलिरियम एंड रोज कलर्ड ड्रेसेस इंडिकेट द डिसीज. इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे. फीवर है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है, पल्स रेट स्लो है, डेलिरियम है और रोज कलर्ड ड्रेसेस है. मेन साइन यहाँ पर क्या है? फीवर और रोज कलर्ड ड्रेसेस. तो ये किस डिसीज के साइन है? स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटेनस या फिर चिकन पॉक्स. तो इन साइन में से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, जो कि एग्जाम में आता है. रोज कलर्ड ड्रेसेस, ध्यान से देखें, रोज कलर्ड ड्रेसेस. इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. बाय बाय.